विश्व वैदिक सनातन संघ को लेकर एक विवादित विषय उठा है। किसी व्यक्ति ने कार्बन डेटिंग की डिमांड को लेकर, जो आपके ही साथी रहे हैं शायद, एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की है। आईएसआई के कुछ एजेंट इसमें लगे हुए हैं, जो ज्ञानवापी के बहाने देश में सांप्रदायिक दंगे करवाना चाह रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल ये है कि न्यायालय की प्रक्रिया रुके और हिंदुओं को भड़काकर किसी तरह जन आंदोलन किया जाए, जिसका परिणाम ये हो कि देश में सांप्रदायिक दंगे हों, सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, देश की शांति व्यवस्था भंग हो। ज्ञानवापी को वास्तव में आज की डेट में एक दुकान बना के रख दिया गया है, व्यवसायीकरण कर दिया गया है। पूरे देश में कुछ लोग घूम घूम के इस विषय का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बाकायदा धन भी बटोर रहे हैं। ये फर्जी आदमी विष्णु शंकर जैन जब इसमें एडवोकेट नहीं थे, तो किस कैपेसिटी से उन्होंने ये करा? कोर्ट कमिश्नर जो थे अजय मिश्रा जी, उनकी कमीशन की रिपोर्ट गायब है नहीं। आपने कमरे में बंद होके कोई पेपर बना के सबमिट कर दिया, जो हाथ से लिखे गए पेपर जिसपे सबके साइन, वो पेपर कहाँ है जी? वो सारी चीजें गायब करके हमारे इस मुकदमे का बंटा ढार सही मायने में कर दिया गया। मैं प्रयास कर रहा हूँ किसी तरह इस मुकदमे को बचाऊं जी, वरना इन लोगों ने तो हकीकत में ज्ञानवापी को बेच दिया है देशद्रोहियों के हाथ जी। और इसमें कुछ तथाकथित देश के जो अपने आप को भक्त बताते हैं, राष्ट्रवादी बताते हैं, वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। यहाँ जो लोग तथाकथित राष्ट्रवादी, हिंदूवादी के नाम पे आपके साथ भी रहे और अब इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये धर्म के हेतु कार्य करने आए थे, देखिए, या धर्म के विरुद्ध कार्य करने आए थे? स्पष्ट कह रहा हूं, या ये धर्म का धंधा करने आए? देखिए, स्पष्ट कह रहा हूं, धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, धर्म इनके लिए धंधा है जी, धंधे से अलावा कुछ नहीं है इनके लिए। धर्म केवल धंधा और प्रत्यक्ष है। आज पूरे देश में आप देख ले, पूरे देश में कुछ लोग घूम घूम के प्रचार करके लोगों को बता रहे हैं और बटोर रहे हैं, केवल धंधा कर रहे हैं जी। जो षड्यंत्र है असली, वो बार बार ज्ञानवापी के बहाने दंगे करवाने का है। देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को आमंत्रित करता हूं कि मैं सारी फाइल लेके बैठ जाता हूं जी, आप लोग बैठ जाइए, मैं वो बिंदु आपके समक्ष रखता हूं कि इन्होंने कहां कहां क्या क्या किस तरह जो है मुकदमे के खिलाफ क्या क्या करा है जी। यदि मैं गलत कहता हूं तो मुझे चौराहे पे नंगा करके मारो, और अगर मैं सही कहता हूं तो जो व्यक्ति धर्म का धंधा बना रहे हैं, जो देश में सांप्रदायिक दंगे करवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, देश को जलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना, वो समाज खुद निर्णय करे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं राकेश मुदगल, विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विसई, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर उसके उद्धार के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, और उनके साथ विश्व वैदिक सनातन संघ के सभी कार्यकर्ता बंधु। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जितेंद्र जी, अभी विश्व वैदिक सनातन संघ को लेकर एक विवादित विषय उठा है। किसी व्यक्ति ने कार्बन डेटिंग की डिमांड को लेकर, जो आपके ही साथी रहे हैं शायद, एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की है जी। आपने उस एप्लीकेशन का विरोध किया है कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है किस वजह से आप ये विरोध कर रहे हैं, और जिन्होंने ये कार्बन डेटिंग की बात की उनकी क्या मंशा रही है कार्बन डेटिंग के पीछे? देखिए राकेश जी, ये विषय उठा के आपने बहुत अच्छा किया है। मैं समझता हूँ इस विषय को पूरे समाज को जानना चाहिए, समझना चाहिए। कार्बन डेटिंग विषय ज्ञानवापी परिसर को लेके क्यों उठाया गया, ये तो खैर वही लोग बता सकते हैं जिनके हिंदू होने पर भी प्रश्न चिन्ह हैं। लेकिन कार्बन डेटिंग भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की शास्त्र सम्मत नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव की आयु का निर्धारण करना, जिसको आज तक संसार का कोई व्यक्ति नहीं जान पाया, उनको वैज्ञानिक तरीके से जांच करना, और कार्बन डेटिंग जहाँ तक मैंने समझा है, कार्बन डेटिंग के लिए पार्ट लिया जाता है उस चीज़ में से, तो शिवलिंग को खंडित करने का दुष्प्रयास दुर्भावना से किया गया। वो बात अलग है कि जब हमने इसका विरोध किया, हमने कहा पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग हो, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस शिवलिंग की, पवित्र शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हम नहीं होने देंगे जी। इसके लिए चाहे हमें ऊपर की अदालतों में भी जाना पड़े। तो विषय ये उठा और न्यायालय में जब गया, बाद में हालांकि वो लोग बैकफुट पे आए, अपना कदम पीछे हटाते हुए उन्होंने कहा नहीं, हम वैज्ञानिक जांच की बात करते हैं, तमाम विषय
जैसा आप लोग सभी देख रहे हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विद्वान व्यक्ति, एक मूर्ख अगर इस बात की चर्चा करे तो बात समझ में आती है। देश के जाने माने विद्वान व्यक्ति अपने आप को अगर इस विषय को लेके, भगवान शिव की कार्बन डेटिंग को लेके आए हैं, तो ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं उनकी सोच, उनके विचार, उस पर प्रश्न चिन्ह है। जितेंद्र जी, कार्बन डेटिंग की बात करना उन लोगों के द्वारा जो एक बड़ी बुद्धिजीवी की वर्ग से आते हैं और विद्वता की बात में भी कोई शक नहीं है कि विद्वान लोग हैं, जब वो कार्बन डेटिंग की बात करते हैं या इस विषय को चर्चा में लाते हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा गंभीर उनका चिंतन रहा होगा कि हम कार्बन डेटिंग करके क्या इससे पाना चाहेंगे। इस विषय को विचार करते हुए उन्होंने जब ये एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, तो आपको क्या लगता है कि कोई वेल प्लान उन्होंने गेम किया था? जी जी जी, बिल्कुल राकेश जी, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। रियल में आपको बता देना चाहता हूँ, जो तथाकथित वो महान विभूतियाँ हैं जो ये कदम उठा रही हैं, वो बार बार उनका ये प्रयास रहा है कि ये मुकदमा वाराणसी न्यायालय से हटकर ऊपर चला जाए, लंबा लटके और मीडिया ट्रायल केवल उन तक सीमित हो जाए। कुछ देशद्रोही शक्तियाँ, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ ISI के कुछ एजेंट इसमें लगे हुए हैं, जो ज्ञानवापी के बहाने देश में सांप्रदायिक दंगे करवाना चाह रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल ये है कि न्यायालय की प्रक्रिया रुके और हिंदुओं को भड़काकर किसी तरह जन आंदोलन किया जाए, जिसका परिणाम ये हो कि देश में सांप्रदायिक दंगे हों, सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, देश की शांति व्यवस्था भंग हो। और उनकी अपनी दाल रोटी, रोजी रोटी या जो भी चल रहा है, वो तो खैर इसके ज्ञानवापी को वास्तव में आज की डेट में एक दुकान बना के रख दिया गया है, व्यवसायीकरण कर दिया गया है। पूरे देश में कुछ लोग घूम घूम के इस विषय का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बाकायदा धन भी बटोर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मामला न्यायालय के अंदर है, इस कोर्ट का केस का निपटारा न्यायालय करेगा, ना कि बाहर रोड पे होगा। न्यायालय का विषय है, न्यायालय अपनी प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है। जहाँ तक मैंने समझा राकेश जी, कार्बन डेटिंग एक बहाना है इस मुकदमे पे स्टे करवाने के लिए जी। क्योंकि कार्बन डेटिंग का अगर ऑर्डर कोर्ट कर देती तो निश्चित ही हाई कोर्ट उस पर स्टे लगा देती, मामला यहीं रुक जाता। आपको बता दूं, 91 का एक मुकदमा है विजय शंकर रस्तोगी वाला 610, उस पर ASI के जो है उसके सर्वे की मांग उठी थी, ऑर्डर हुआ था, कोर्ट ने ऑर्डर करा था, जिसके ऊपर स्टे हो चुका है और मामला पेंडिंग है। तो जब एक मामला वही विषय लेके कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, स्टे है, आप उस विषय को लेके क्या लोअर कोर्ट की इतनी पावर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इतनी पावर है? ये तो लटकाने भटकाने वाला विषय है, इसके बहाने किस। और अभी जैसे 2 दिन पहले काशी में एक बहुत बड़ा समारोह किया गया, वहाँ कुछ तथाकथित हिंदूवादी, जो अपने आप को हिंदूवादी राष्ट्रवादी कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है, आपको वीडियो मिल जाएंगी उसकी, तमाम चैनलों पे मिल जाएंगी, कि मिस्टर विष्णु शंकर जैन कोर्ट में देखेंगे और हम लोग इस विषय को, ज्ञानवापी को लेके जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन का क्या उद्देश्य है जी? मामला जब न्यायालय में है तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो कार्य हो। मैं बार बार कहता आया हूँ कि देखिए, हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, हम न्यायालय के थ्रू इस काम को करना चाहते हैं, हमें रोड पे इसका कोई निपटारा नहीं करना है। और रोड पे निपटारा होगा भी नहीं, जहां तक मैं समझता हूँ रोड पर निपटारा नहीं होगा जी। जी, कोर्ट में हम लोग गए हैं तो हमें या तो न्यायालय पे विश्वास होना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास होना चाहिए। आपको इस विषय को लेके एक बात और बता दूं, कोर्ट में व्यवधान पैदा हो और ये मुकदमा हम हार जाएं, इसका पूरा षड्यंत्र रचा गया जी। मिस्टर विष्णु शंकर जैन के नाम लेके मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ जी। विष्णु शंकर जैन का वकालतनामा इस केस में 16 मई 2022 को लगा, इससे पहले वो इसमें अधिवक्ता नहीं थे। कमीशन कार्रवाई के दौरान वो वहाँ गए, शामिल हुए अपने पिता श्री यानी हरिशंकर जैन के असिस्टेंट के तौर पर, असिस्टेंट यानी एक मुंशी की कैपेसिटी से। एडवोकेट विशाल सिंह जो कोर्ट कमिश्नर, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर से, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट्स बनाई उसमें जगह जगह क्या लिखा है कि एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने हमें ये बताया, एडवोकेट विष्णु एक खिचड़ी पका के एक रणनीति के तहत उस रिपोर्ट को कबाड़ा करने के लिए। हालांकि उस विषय को लेकर मैंने आज ही न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई है कि जो पूर्व जो उस विषय में वो एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा जी थे, अजय मिश्रा जी,
अजय मिश्रा जी की रिपोर्ट को मंगवाया जाए, क्योंकि वह पहले दिन से और आखिरी दिन तक कमिश्नर थे। आखिर उनकी रिपोर्ट कहाँ गायब है? जी, उनकी रिपोर्ट को गायब कर दिया गया है। जी, फर्जी रिपोर्ट बना दी गई है। जी, परिणाम ये होगा कि इस विषय को लेके, देखिए मानते हैं 1% हम माने, मुस्लिम पक्ष से आपकी साठगांठ है, लोअर कोर्ट में किसी तरह हम केस जीत भी गए सपोज कीजिए, जी जी, मुस्लिम पक्ष मौन रख के बैठा रहे जान के कुछ बिंदुओं पे लोअर कोर्ट में, क्योंकि एक बार राकेश जी जहां तक मैं समझता हूँ, आप भी एडवोकेट हैं इतना तो समझते हैं कि जितने एविडेंस होते हैं, जो गवाह और सबूत, वो लोअर कोर्ट में ही दिए जाते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं जमा करवा सकते। तो जो एविडेंस का काम है वो ट्रायल कोर्ट में ही, ट्रायल कोर्ट में ही होगा जी। अब ट्रायल कोर्ट में सारा काम पूरा हो गया, हाई कोर्ट निश्चित है ये मुकदमा हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, और वहां जाने के बाद विपक्षी ये कहता है कि ये गलतियां हैं इसमें, ये फर्जी आदमी विष्णु शंकर जैन जब इसमें एडवोकेट नहीं थे तो किस कैपेसिटी से उन्होंने ये करा, नंबर एक। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में उनका नाम कैसे? अच्छा, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में कैसे नाम आया? कोर्ट कमिश्नर जो थे अजय मिश्रा जी, उनकी कमीशन की रिपोर्ट गायब है नहीं। आपने कमरे में बंद होके कोई पेपर बना के सबमिट कर दिया, जो हाथ से लिखे गए पेपर जिसपे सबके साइन, वो पेपर कहाँ है? जी, वो सारी चीजें गायब करके हमारे इस मुकदमे का बंटा ढार सही मायने में कर दिया गया। और इसके अलावा एक नहीं, कम से कम 85 ऐसे एविडेंस है, मैं धीरे धीरे कोर्ट के सामने ला रहा हूँ। जी, मैं प्रयास कर रहा हूं किसी तरह इस मुकदमे को बचाऊं, वरना इन लोगों ने तो हकीकत में ज्ञानवापी को बेच दिया है देशद्रोहियों के हाथ। जी, और इसमें कुछ तथाकथित देश के जो अपने आप को भक्त बताते हैं, राष्ट्रवादी बताते हैं, वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। जन आंदोलन का विषय नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया है। आपको न्यायालय पे विश्वास होना चाहिए, आप न्यायालय में आए, अपना पक्ष रखें, पक्ष रखने के अलावा आप एविडेंस को मिटा रहे हैं, एक एक करके कितने एविडेंस मिटाए गए हैं, मैं लिस्ट आपको आज ही मैंने मीडिया को भी भेजा है वो। जितेंद्र जी, ये विषय कोर्ट के सामने आपको लाना है, कोर्ट के सामने लाने के लिए आपने सब तय किया, कोर्ट के सामने आप बाकी बिंदु भी प्रस्तुत कर रहे हैं। जी जी, यहां जो लोग तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदूवादी के नाम पे आपके साथ भी रहे और अब इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये धर्म के हेतु कार्य करने आए थे, देखिए, या धर्म के विरुद्ध कार्य करने आए थे? स्पष्ट कह रहा हूं, या ये धर्म का धंधा करने आए? देखिए, स्पष्ट कह रहा हूं, धर्म से इनका कोई लेने देना नहीं है, धर्म इनके लिए धंधा है। जी, धंधे से अलावा कुछ नहीं है इनके लिए, धर्म केवल धंधा और प्रत्यक्ष है। आज पूरे देश में आप देख ले, पूरे देश में कुछ लोग घूम घूम के प्रचार करके लोगों को बता रहे हैं और बटोर रहे हैं, केवल धंधा कर रहे हैं। जी, इस विषय में क्या है? न्यायालय का विषय है, आप न्यायालय में खड़े हुए आर्गुमेंट, आपको बता दूं इनकी किसी भी आर्गुमेंट को आज तक न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। जिस 7-11 की बहस के लिए कहते हैं, पूरा ड्रामा गेट नंबर 2 के बाहर, पूरा एक तो कोर्ट के अंदर चलती है प्रोसीडिंग, एक गेट नंबर 2 के बाहर चलती है मीडिया के सामने, बढ़ा चढ़ा के दुनिया की तमाम चीजें रख दी। आप जो इनकी रिटर्न आर्गुमेंट गई है कोर्ट में उसको देख लीजिए, मुस्लिम पक्ष की का जो रिज्वाइंडर या जवाब जो भी है उसको देख लीजिए, हमारी रिटर्न आर्गुमेंट देख लीजिए और कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए। कोर्ट ने टोटल ऑर्डर 7-11 पे राखी सिंह के अधिवक्ताओं के बातों को मानते हुए बाकायदा ऑर्डर किया है। उन तथाकथित अधिवक्ताओं का कोई भी वक्तव्य, कोई भी दलील कोर्ट ने नहीं मानी, ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी चेक कर सकता है। मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं, कोई भी उंगली जो मेरे ऊपर उठा रहा है या राखी सिंह के ऊपर, राखी सिंह मुकदमा वापस ले रही हैं, एक भ्रम फैलाया गया पूरे देश में, राखी सिंह की बदौलत मुकदमा चल रहा है। जी, आज भी राखी सिंह की बदौलत ही राखी सिंह के मुकदमा वापस ले रही है, एक भ्रम फैला के लोगों को भ्रांत बेवकूफ बनाने का काम किया, बदनाम करने का प्रयास किया गया। मुकदमा किसने वापस लिया? हाई सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग विड्रॉ करके भाग आए, सुप्रीम कोर्ट में आपको फटकार लगी, लोअर कोर्ट में आप बैकफुट पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैकफुट पे आ गए, आपने एप्लीकेशन लगाई, ज्ञानवापी में उस आदि विशेष ज्योतिर्लिंग की कार्बन डेटिंग की। जितेंद्र जी, ये जो तथाकथित लोग हैं, क्या इसको पब्लिक डोमेन में ले जाकर इस विषय को क्या पैसा इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, पैसा तो इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको आपके चैनल पर मैंने पहले भी कहा, 18 मई को मेरे अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर किया गया था बाहर से, वो मुझे फंसाने के लिए उद्देश्य किया गया था।
चार पांच मई में ही बनारस में चर्चा हो गई थी कि जितेंद्र सिंह के अकाउंट में करोड़ों रुपया खाड़ी देशों से आया है और वो 18 मई को उस समय ट्रांसफर हुआ जब लगभग एक घंटा पहले विष्णु जैन की स्टेटमेंट आती है चैनल पे कि सबके अकाउंट चेक किए जाएं। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद, चूंकि मेरी फ्लाइट थी दिल्ली आने के लिए, मैं वहां से निकला, बनारस होटल से निकला हूँ, एयरपोर्ट के लिए निकला था, रास्ते में तो हमने वरुणा पार करी, तभी मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कुछ रकम ट्रांसफर हुई। मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को दी, उन्होंने कहा आप उस अमाउंट को किसी को ना बताइए, बाकी चीज़ें आप मीडिया को बता दीजिए, कह दे कि एक रकम आई है। मैंने आप लोगों के समक्ष भी रखा, आपके चैनल पर भी बैठा, आपने भी पूछा कि क्या अमाउंट, मैंने कहा अमाउंट नहीं बता सकता, बड़े आज मैं खोल रहा हूँ उस अमाउंट को। आपको ताजुब होगा जिन लोगों ने करोड़ों रुपया है, जितेंद्र सिंह के अकाउंट में 1 लाख रुपया उस दिन ट्रांसफर किया गया था जी, और 20 तारीख को यानी ठीक 2 दिन बाद फिर 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया था जी। ये टोटल 2 लाख रुपए की रकम जितेंद्र सिंह को के अकाउंट में भेजी गई थी बदनाम करवाने के लिए। ये राज अब मैं आप सबके क्या पास क्या, 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 है? क्या ये जो 2 लाख रुपए आए जी, इसकी डिटेल आपने सेंट्रल मिनिस्ट्री को दी? एक एक चीज की डिटेल है। क्या क्या उन्होंने अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन इस पे की? देखिए वो लोग बाकायदा उस पे सब कुछ चल रहा है और वहां से भी मुझे ये कहा गया विसेन जी अब आप इसको पब्लिक डोमेन में रख सकते हैं, आप स्पष्टीकरण दे दें कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है, क्योंकि बहुत भ्रांतियां फैलाई है। क्या इसकी डिटेल मिली है कि ये पैसा विदेशों से कहां से आया? नहीं नहीं, ये पैसा यहीं से आया है। मैं बता दूं मार्च के फर्स्ट वीक में विष्णु शंकर जैन ने मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया मंगवाया था और वो 10 लाख रुपया उन्होंने मेरे से वापस लिया, उसके तमाम प्रमाण हैं जी। ये रकम उसमें से एक रकम 1 लाख रुपया जिसने वो 10 भेजा था उन्हीं से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, उसी परिवार से जुड़ा हुआ है जी, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट चेक करी तो नाम जी सेम उसी परिवार का मिला जी। तो एक तो वो और एक व्यक्ति एक अलग से आया 1 लाख रुपया, तो टोटल ये पैसा मतलब हम मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर करवा के बदनाम करवा के ताकि साबित कर सके जितेंद्र सिंह। तो आपको लगता है कि ये कोई एक षड्यंत्र किया जा रहा है? बिल्कुल षड्यंत्र। और धर्म के इस कार्य को धंधा बनाने का कुछ लोग, देखिए धंधा मैं कहता हूँ फिर भी ठीक है, आप धंधा कर रहे हैं वो चलिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन देश को बेचने नहीं देंगे, देश में दंगे नहीं होने देंगे हम जी। जो षड्यंत्र है असली वो बार बार ज्ञानवापी के बहाने दंगे करवाने का है जी, और इसके लिए मैंने लिखित में बाकायदा 2-3 बार मैं लिखित में दे चुका हूं, मैंने अपने अकाउंटों की डिटेल, पैसा कहां से कौन होगा, अपने अकाउंट की डिटेल भेज के देखो जी, कहता हूं आप लोग भेज के देखो ना, दिखाओ सारी चीज, मैंने तो अपनी संपत्ति का पूरा विवरण पब्लिश कर दिया है जी, अपने अपने परिवार की अपने सारे अकाउंट पब्लिश कर दिए कि जिसको जो डिटेल चाहिए सब ले लो, एक एक चीज का प्रमाण है जी। जितेंद्र जी धन को लेकर ये सारी समस्याएं आ रही है, धर्म को लेकर आपने कार्य शुरू किया जी, अब धर्म को लेकर जब कोई कार्य शुरू किया जाता है तो उसमें धर्म अहम होता है, धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, जब धर्म का धंधा करने वाले लोग इर्द गिर्द आ जाते हैं तो उनसे बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, आप प्रयास कर रहे हैं, आपको इस प्रयास के लिए हम हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे जी। इससे अलग हटकर मैं एक जानकारी अब आपसे चाहता हूं कि भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं कि किस तरीके से इन धंधेबाजों से धर्म के इस कार्य को बचाया जा सके। देखिए मैं तो अपनी तरफ से राकेश जी हर पूर्ण प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इनके पास एक विषय है ज्ञानवापी का, वो राखी सिंह का मुकदमा किया हुआ, क्योंकि उसमें 4 हमारी सहयोगी महिलाएं, मैं स्पष्ट कर दूं वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है जी, बहुत सीधी सादी फैमिली से बिलोंग करती थी, प्रभाव में आके किस चीज में आके उनके हाथ की कठपुतली बन गई हैं, जिसके बिहाब पे सब कुछ चल रहा है, उन्हें तो ये भी नहीं पता बिचारियों कि उनके मुकदमे का बंटा ढार कर दिया गया है। हालांकि भविष्य में मुकदमा अगर खराब होता है, खत्म होता है, डिसमिस होता है सब कुछ, तो आरोप तो वादी पक्ष के भी सामान लगाएगा कि आपने गलती की। मेरी तरफ से सारी चीजें स्पष्ट है, मैं हर चीज को लेके चल रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, जैसा कि आज मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि ये गड़बड़ की गई है मुकदमे को खत्म करने के लिए, 14 तारीख की उस एप्लीकेशन पे डिस्पोजल के लिए माननीय न्यायालय ने रखा है जी। तो देखते हैं उसमें क्या ऑर्डर करता है, वो तो न्यायालय का विषय, लेकिन हम अपनी तरफ से हर प्रयास करो, और मैं बाकायदा आपके चैनल के माध्यम से देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को आमंत्रित करता हूँ कि मैं सारी फाइल लेके बैठ जाता हूँ, आप लोग बैठ जाइए, मैं वो बिंदु आपके समक्ष रखता हूँ कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या किस तरह जो है
मुकदमे के खिलाफ क्या क्या करा है जी। यदि मैं गलत कहता हूं तो मुझे चौराहे पे नंगा करके मारो, और अगर मैं सही कहता हूं तो जो व्यक्ति धर्म का धंधा बना रहे हैं, जो देश में सांप्रदायिक दंगे करवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, देश को जलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना, वो समाज खुद निर्णय करे। धन्यवाद जितेंद्र जी। साथियों, ये एक विषय है, बड़ा गंभीर है। धर्म और धंधेबाजों से हमें चुनना है, धर्म महत्वपूर्ण है या धंधेबाज, धंधा चाहिए या धर्म चाहिए। जितेंद्र जी, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, आप अपने ईश्वरीय कार्य में सफल हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।